गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसकी जरूरत हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं उस समय जरूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक रिलेशन तभी होगा जब वह फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक रिलेशन है वह फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होगा जब एक एट्रीब्यूट में एक रिलेशन उसमें दो एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी। बी एट्रीब्यूट है वह है एट्रीब्यूट बी है वह फंक्शनली डिपेंडेंट होगा, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होगा ऑन एट्रीब्यूट ए पे। कब होगा? जब जब ए है, जब ए पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होगा बी। कब होगा? जब यदि ए में से कोई एट्रीब्यूट निकाल रिमूव कर देते हैं तो वह बी है वह बाद में उस पर फुली फंक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। मीन्स बी एट्रीब्यूट है वह फुली फंक्शन डिपेंडेंट होगा ए पे जब वह इस पर फुली डिपेंड है, न कि इसके सबसेट पे डिपेंड हो बल्कि इस पर फुली डिपेंड हो। ओके, तो देखते हैं। इफ बी इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए बट नॉट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मीन्स बी है वह फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा ए पे, न कि इसके कोई सबसेट पे डिपेंड होगा, प्रॉपरली इस पे डिपेंड होगा वो। ठीक है, तो बी फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए इज ए फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी जब कब? If removal of any attribute from A results in the dependency no longer exists, यदि जो A attribute है, जो key attribute है, यदि उसमें से कोई सबकी निकाल लेते हैं तो वह B है बाद में इस पर fully functional dependent नहीं होता। Okay, तो हम इसको एक example की सहायता से समझते हैं। हमारा एक relation है, उस relation का नाम है student, फिर उसमें 4 attribute हैं, SID, SName, Address और Course Name। ठीक है, तो SID यहाँ पे की एट्रीब्यूट है और SName, Address और Course Name ये नॉन की एट्रीब्यूट है। तो जब ये नॉन की एट्रीब्यूट इस की एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंड होंगे तब ये रिलेशन कहलाएगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन SID की एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे जो तीनों नॉन की एट्रीब्यूट है वह SID पे फुली डिपेंडेंट है, तो ये रिलेशन यहाँ पे कहलाएगा फुल फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए।